मैं उज़मा और आज मैं बनाने जा रही हूँ व्हाइट मटन स्टू। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको नई नई रेसिपीज देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें। तो चलिए बनाते हैं मटन स्टू। जिसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg मटन मीडियम पीसेस में कटे हुए, 1/2 kg प्याज स्लाइस की हुई, 3 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 10 से 15 काली मिर्चें, 2 तेज पत्ता, 1 छोटा जावित्री का टुकड़ा, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा और 1 छोटी चम्मच हमें चाहिए जीरा। 1/2 टीस्पून हमें चाहिए कुटी हुई काली मिर्च, 1 बड़ी चम्मच हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो आप इसे कूट भी सकते हैं या फिर आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। मुझे अदरक का टुकड़ा मुंह में आता हुआ नहीं पसंद, इसलिए मैंने इसे पीस लिया है। 3 हरी मिर्चें कटी हुई, 3 लाल मिर्चें, 1 छोटा चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे डाल सकते हैं, 1 कप दही और 2 बड़ी चम्मच तेल। और जब हमारा मटन तैयार हो जाएगा बनके तो फिर हम उसे गार्निश करने के लिए हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे। अब हम कुकर में तेल डालेंगे और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, जस्ट एक बार हमें इसे घुमाना है, फिर अब हम इसमें मटन डाल देंगे। मटन डालने के बाद से हम इसे अच्छे से मिला देंगे। फिर हम अपने जितने मेरे हमारे साबुत मसाले जितने हैं वो सारे मसाले हम इसमें डालेंगे। हरी मिर्चें हम अभी डालेंगे, लाल मिर्चें हम बाद में डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक, इसे अच्छे से मिला देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा इस वक्त। हमने इसमें वो सारी चीजें मिला दी हैं। एक्चुअली हमने साबुत लाल मिर्चें जो हैं वो अभी इसलिए नहीं डाली हैं क्योंकि फिर हमारे मटन का कलर चेंज हो जाएगा और हमें अपने मटन का कलर व्हाइट रखना है। और बस अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, 1/2 कप पानी डालेंगे और फिर हम इसकी लिड को हम बंद कर देंगे। कुकर की लिड को हम बंद कर देंगे और 2 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे और जब हमारी 2 सीटी आ जाए तो फिर हम उसको आप अपनी जो हमारी जो फ्लेम है उसको हम सिम कर देंगे और फिर 5 मिनट बाद हम कुकर को बंद कर देंगे। हमने फ्लेम को बंद कर दिया था और जब कुकर की सीटी अच्छे से ठंडी हो जाए तो फिर हम उसकी लिड खोलेंगे और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सारे मसालों की और हमारा जो मटन है वो भी टेंडर हो गया है अच्छे से। अब हम अपना फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम ऑन करके थोड़ा सा उबाल आने पे हम इसमें दही डालेंगे। फिर हमने जो कुटी हुई काली मिर्चें रखी थी वो हमने बाद के लिए बचा के रखी थी तो उसको अब हम ऐड कर देंगे इसमें। और हमारी सूखी लाल मिर्चें, ये 3 चीज हमें अभी डालनी है। और बस फिर दही डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। मिनट भूनने के बाद से आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें से ऑयल जो था वो सेपरेट हो गया है। तो बस हमारा मटन स्टू बन के तैयार है। आप देख सकते हैं हमने इसे डिश आउट कर लिया है और बहुत ही टेस्टी लग रही है ये, देखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी है।
तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही इजी है ये बनाने में, कोई मुश्किल नहीं आती है बनाने में। और अगर आपको पसंद आए तो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए।